डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू, जो आपको दे रखा है वो दे रखा है डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और बाउंड्री कंडीशन जो आपको दे रखी है वो ये दे रखी है अगली बार वाई ऑफ पाई अपॉन टू कोमा जीरो कोमा टी इज इक्वल टू दे रखा है जीरो, एंड साथ में दे रखा है डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू दे रखा है जीरो जब एक्स इज इक्वल टू जीरो है, क्लियर है ना। एंड साथ में एक कंडीशन और भी दे रखी है वाई ओ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को कोस 5x, कोस 5x ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, लिखने में टाइम लगेगा इसमें इसलिए शॉर्ट में लिख दिया। तो इधर निकला एल ऑफ डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू बना एल ऑफ डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। हमारे पास जो फार्मूला होता है बेटा वो ये होता है, डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर, और एल ओ डेल वाई ओवर डेल टी का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई, वो होता है पी वाई बार एक्स कोमा पी माइनस वाई ऑफ एक्स कोमा जीरो। ये दोनों फार्मूले मैंने इस इक्वेशन के अंदर पुट करे, मैं कह रहा हूँ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन के अंदर जैसे ही मैंने वैल्यू डाली तो ये बना मेरे पास कितना भाई, ये हुआ पी वाई बार एक्स कोमा पी माइनस वाई ओ एक्स कोमा जीरो इज इक्वल टू डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर। अगले वाले पेज पर चलते हैं, ये बना डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बना हुआ है, पी वाई बार एक्स पी माइनस वाई एक्स जीरो, पी वाई बार एक्स कोमा पी माइनस वाई ओ एक्स कोमा जीरो। ओके, यहाँ देखो बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है वाई ओ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू दे रखी है कोस 5x, बट वाई ओ एक्स कोमा जीरो की वैल्यू है कोस 5x आपके सामने है, क्लियर है ना। मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की, ये निकल करके आया मेरे पास डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी वाई बार माइनस 5 cos 5x। इसको मैं इधर ले करके आया, ये बना डी टू वाई बार ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के पी वाई बार इज इक्वल टू माइनस के cos 5x। अब यहाँ से देखो ये लीनियर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशेंट, मैंने इसकी एक्सिलरी इक्वेशन उठाई जैसे मैंने इसकी एक्सिलरी इक्वेशन ली ये हुआ एम स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, आप चाहे डी में ले लो पी में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम बराबर निकल करके आया प्लस माइनस अंडर द रूट पी। ओके, मैंने इस इक्वेशन का सी एफ निकाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी वन ई टू द पावर अंडर रूट पी एक्स प्लस सी
सी टू ई टू द पावर माइनस अंडर द रूट पी एक्स। ओके, मैंने इसको, मेरे को पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, मैंने इसका पी आई निकाला, पी आई बराबर होगा माइनस के 5 कोस टू, कोस कितने एक्स हैं, माइनस के कोस 5 एक्स हैं, माइनस के कितना है भाई, माइनस के कोस 5 एक्स है भाई, ये है। थोड़ी सी गलती कर दी है यहाँ पे, पी आई की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी बनी, माइनस के कोस 5 एक्स हैं डिवाइडेड बाई, कितना है डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस के पी। देखो आप, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के पी बराबर, वही फार्मूला होता है जो साइन का होता है, कोस ए एक्स बटे डी स्क्वायर माइनस पी। ओके, ये हो जाएगा कितना भाई, कोस ए एक्स बटे डी की जगह माइनस के ए स्क्वायर माइनस के पी, तो यहाँ ये बन गया इसी तरीके से माइनस के कोस 5 एक्स बटे माइनस के 25 5 का स्क्वायर और माइनस के पी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 5 एक्स बटे 25 प्लस के कितना भाई, 25 प्लस के पी, ये हो गया 25 प्लस के पी। क्लियर? तो अब मैंने निकाला यहाँ से क्या, जनरल सोल्यूशन निकाला। जनरल सोल्यूशन का मतलब निकलता है वाई बार इज इक्वल टू मेरे पास होगा सी एफ प्लस के पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। तो वाई बार अगले पेज पर कर लेता हूँ, वाई बार इज इक्वल टू निकल करके आया सी एफ की वैल्यू है सी वन ई टू द पावर अंडर रूट पी एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस के पी एक्स प्लस के पी आई की जगह कोस 5 एक्स बटे 25 प्लस के कितना, प्लस के पी। देखो आप, ये बनेगा। अब मैं पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करता हूँ उसके ऊपर। देखो आप बाउंड्री कंडीशन देखते हैं क्या दे रखी है, y ऑफ 0 कोमा t इज इक्वल टू 0 दे रखा है, चल जो इसका यूज करते हैं y ऑफ, बट y ऑफ पाई बाई टू कोमा टी इज इक्वल टू शायद 0 है, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद 0 है, इज इक्वल टू 0 है। ओके, जैसे ही मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा, ये हो जाएगा हेलो वाई बार पाई अपॉन टू टी इज इक्वल टू एल ऑफ 0, इधर तो हो जाएगा वाई बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये पाई बाई टू जो का तो रहेगा टी पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बराबर 0। वैल्यू डाल रहा हूँ, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ डाली, ये तो हो गई 0 इज इक्वल टू, ये है x की वैल्यू, x कितना है पाई बाई टू के बराबर आपके सामने, y कितना है, y बार कितना है 0 है। तो ये हो गया सी वन ई टू द पावर अंडर द रूट पी, ये हो गया पाई अपॉन टू सी टू ई टू द पावर माइनस पाई अपॉन टू अंडर द रूट पी प्लस 0। देखो ना भाई यार, कोस पाई बाई टू तो 0 होता है ना यार, आप तो समझते हो ना इस चीज़ को, ये वाला स्टेप तो पूरा 0 हो जाएगा ना। ओके, एक इक्वेशन निकल करके आई हमारे पास, ये 0 इज इक्वल टू कितना बना, सी वन ई टू द पावर पाई अपॉन टू अंडर द रूट पी प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस के पाई अपॉन टू अंडर द रूट पी। इक्वेशन नंबर, इसको जेड मान लो, ये इक्वेशन है, इसके ऊपर फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगा मैं। मेरे पास कंसेप्ट क्या है, वाई बार इज इक्वल टू है सी वन ई टू दी पावर अंडर रूट पी एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस अंडर रूट पी एक्स है, और प्लस के, प्लस कितना है कोस 5 एक्स है, और बटे है 25 प्लस के पी, ये आपका रिजल्ट है। अब यहाँ इसके साथ साथ जो है एक चीज़ और भी है, ये होने के साथ साथ एक बाउंड्री कंडीशन मेरे को और भी दे रखी है, बाउंड्री कंडीशन दे रखी है मेरे को ये, यानी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 के बराबर है आपके सामने है। ओके, मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है बाउंड्री कंडीशन में, मेरे को दे रखा है डेल वाई ओवर डेल टी एक्स इज इक्वल टू 0 पर
इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या दे रखा है ये, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू दे रखी है मेरे को जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट करो। देखो जब मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा, बात तो वही बैठ रही है यार, ये वाई बार के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ये आएगा डेल वाई बार, डी वाई बार में कन्वर्ट हो जाएगा यार, बात एक ही है, ओवर डेल टी। ओके मैंने इसको गलत लिख दिया है, ये जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद ये हो जाएगा डी वाई बार ओवर डी टी इज इक्वल टू, इसको मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करा अंडर दी रूट पी यहाँ सी वन ए टू दी पावर पी एक्स माइनस अंडर दी रूट पी ए सी टू ए टू दी पावर माइनस पी एक्स माइनस पाँच हो जाएगा, कोस पाँच एक्स होगा और डिवाइडेड बाई 25 प्लस के पी स्क्वायर होगा, हो गया ना। अब जब इसकी वैल्यू जो है ना, ये बाउंड्री कंडीशन में यहाँ अप्लाई करूँगा, ये इधर वाला तो हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू, देखो एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालती है, ये तो हो गया अंडर दी रूट सी सॉरी अंडर दी रूट पी इंटू सी वन, अंडर दी रूट पी सी वन माइनस अंडर दी रूट पी इंटू सी टू और माइनस के ज़ीरो। अंडर रूट पी मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा सी वन माइनस के सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके सेकेंड इक्वेशन बनी सी वन माइनस के सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। दोनों इक्वेशन देखो, एक इक्वेशन इससे पहले भी बनी हुई थी, एक इक्वेशन बनी हुई थी आपकी ये दो इक्वेशन बनी हुई थी। मैं कह रहा हूँ दोनों इक्वेशन को उठाओ और रिजल्ट निकालो इसका। पहले वाली इक्वेशन है सी वन माइनस के सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो है, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास है सी वन पाई बाई टू अंडर रूट पी सी वन ए टू दी पावर पाई बाई टू अंडर रूट पी प्लस सी टू ए टू दी पावर माइनस पाई बाई टू माइनस के पी इंटू पाई बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। आप दोनों को पहले की तरह हल करो, मैं चैलेंज करता हूँ, सी वन इज इक्वल टू सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो निकल करके आएगा। देखो आप इसको गुणा करो ए टू दी पावर अंडर दी रूट पी इंटू पाई बाई टू से, और हल करने पर सी वन सी टू की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। मैंने इससे पहले इक्वेशन के अंदर भी, क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये बात बताई है, दो इक्वेशन दे रखी है सिंपल तरीके से सॉल्व करके सी वन सी टू की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। जब सी वन और सी टू की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये जो आपकी मेन इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर मैंने सी वन और सी टू जैसे ही ज़ीरो डाला, ये पोर्शन ज़ीरो ये पोर्शन ज़ीरो, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो बनेगी सो वाई बार जो निकल करके आएगा बेटा वो कितना बनेगा भाई, वाई बार बनेगा कोस, मैंने पहले से ही लिखा हुआ है इसको, पाँच एक्स बटे पी स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस के पी, एक मिनट जाओ यार ये परेशान करता है, दो पच्चीस प्लस के पी, मैंने एल इनवर्स लिया दोनों तरफ, ये हो गया एल इनवर्स वाई बार का मतलब एल ऑफ वाई इज इक्वल टू हो गया एल इनवर्स, ये हो गया कोस पाँच एक्स बटे 25 प्लस के पी। ओके इधर तो ख़त्म, वाई इज इक्वल टू कितना निकला भाई, कोस पाँच एक्स तो कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ई की पावर कितनी टी निकलेगा भाई, ए टू दी पावर माइनस के 25 टी और गुणा कोस पाँच एक्स, कोस पाँच एक्स प्लस के सी, आर्बिट्रेरी इसकी तो ज़रूरत नहीं है भाई, ये आपका सोल्यूशन आ गया। आपको कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। इसी की तरह का बेटा एक क्वेश्चन और है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अगर आपसे नहीं निकला ना तो आप जो है मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ये क्वेश्चन देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। सेम मेथड से आपको निकालना है सॉल्व, और किसको सॉल्व करना है आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए डेल वाई ओवर डेल टी इज इक्वल टू है टू डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर सॉरी डेल एक्स स्क्वायर है डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर है,
और बाउंड्री कंडीशन जो दे रखी है वाई ऑफ 0, t की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0, वाई ऑफ 5, t की वैल्यू दे रखी है 0, और वाई ऑफ एक्स कोमा 0 की वैल्यू दे रखी है भाई 10 sin 4π, 10 sin 4πx, 4πx माइनस 5 sin 6πx। ओके, ये दे रखा है, सेम उसी तरीके का सवाल है, बिल्कुल दिख तो है। आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे, ओके, अगर आपसे नहीं निकला तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, फिर भी अगर आपका डाउट लगता है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना कि सर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ, आई विल हेल्प यू।